Assalamualaikum guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टाग्राम को यूज करते हुए वीडियोस, फोटोज वगैरह को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट मैसेज की जो है सहूलत को यूज कर सकते हैं वो भी अपने लैपटॉप को यूज करते हुए। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन पे ताकि आपको नेक्स्ट भी मजीद ऐसी मेरी हेल्पिंग वीडियोस मिल सके। तो चलिए गाइज आपने क्या करना है, आपने ये देखिएगा यहाँ पे है जो है अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ वाइट व्यूज पे ओपन करने के बाद भी अपलोड कर सकता हूँ। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन भी ऊपर सबसे मिल रहा है, तो आप इसे यूज करते हुए अपने डायरेक्ट मैसेजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए गाइज यहाँ पे जो है आप किसी भी वीडियो या पिक्चर वगैरह को अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिएगा तो उसके बाद आप यहाँ से सिंपली जैसा कि आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी अपने इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे प्रेस करना है, देन आपने गाइस इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है, ऐड लोकेशन करनी है, अगर किसी बंदे को टैग करना है तो टैग भी कर देना है, देन आपने शेयर पर प्रेस करके इसे शेयर कर देना है। जैसा कि मैं इसे अब शेयर करना नहीं चाहता तो इसलिए मैं इसे बैक पर आ जाता हूँ। तो गाइस आपने इस ऐप को या इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं उस तरफ। तो आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करनी है क्रोम में, देन आपने गाइस वहां पे टाइप करना है क्रोम फॉर वेब। तो गाइस उसके बाद आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा, क्रोम वेब स्टोर, आपने क्रोम वेब स्टोर को ओपन कर लेना है। क्रोम वेब स्टोर पे जाने के बाद गाइस आप यहाँ से इसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम प्लस डायरेक्ट मैसेज। तो गाइज यहां से आपने इसे कर लेना है इंस्टॉल। तो गाइज यहां पे आपने डाउनलोड फॉर इंस्टाग्राम टाइप करना है, सबसे ऊपर गाइज आपको ये जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो आपने इसे ऐड टू क्रोम पे कर देना है। लीजिए गाइज मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, यहाँ से इसे करता हूँ रिमूव। तो ये देखिए गाइज मेरा जो है एक्सटेंशन रिमूव हो चुका है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए मेरा अपलोड का ऑप्शन जो है यहाँ से जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा से इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आपने क्या करना है इसे ऐड टू क्रोम पे प्रेस करना है, ऐड टू क्रोम पे प्रेस करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे प्रेस करना है। तो लीजिए गाइस आपका जो है इंस्टाग्राम डाउनलोडर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है बगैर किसी ऐप को इंस्टॉल किए हुए। तो लीजिए गाइस आपका जो है यहाँ पे हो चुका है, दोबारा आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके अपने अपने इंस्टाग्राम को रिफ्रेश करना है। तो लीजिए गाइस हम यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं और आपके सामने ये डाउनलोड फॉर इंस्टाग्राम और डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए गाइस आप यहाँ से इसे ओपन करते हैं, तो लीजिए गाइस आपके सामने फिर से वही इंस्टाग्राम का व्यू आ चुका है जैसा कि आप अपने मोबाइल पर यूज़ करते हैं, यहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से गाइस अगर आप IGTV पे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से IGTV को ओपन करें और यहाँ से IGTV पे भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सिंपली से ऑप्शन मिलता है जैसा कि आप मोबाइल पर अपलोड करते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो पे करें कमेंट। नेक्स्ट गाइस आपसे मुलाकात होती है ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, शुक्रिया गाइस, अल्लाह हाफिज़।